नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम एक्सप्रेसवे और हाईवे के बारे में जानेंगे, इनमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए, सबसे पहले जो एक्सप्रेसवे होता है वो एक्सेस कंट्रोल हाईवे होता है, मतलब कोई भी लोग हो गए या जानवर हो गया उस हाईवे पर इजीली इंटर नहीं कर सकते। और आपको उस हाईवे पर एक्सेस करने के लिए, या आप कोई सिटी से उस हाईवे पर आना चाहते हैं, तो एंट्री पास और साथ ही एग्जिट पास के जरिए उस हाईवे पर आ सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो पर देख पा रहे हैं, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिसमें आपको फेंसिंग दिखाई दे रही है। और साथ ही इस वीडियो पर आप देख पा रहे हैं कि एक एंट्री पास आते हुए आपको दिख रहा है। देखिए किस तरीके से प्रॉपरली वे से एंट्री पास आते हुए दिखा है, और आप इजी तरीके से इलेक्ट्रिक पोल भी देख पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ एंट्री पास होता है वहाँ पर लाइटिंग भी होती है। उसी तरीके से किसी और शहर जाने के लिए आप एग्जिट पास का ही उपयोग कर सकते हैं। एक तरह से पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल हाईवे, जिसमें बीच में डिवाइडर में कट नहीं होता। और साथ ही जगह जगह पर रेस्टोरेंट की फैसिलिटी होगी, या व्हीकल रिफिल शॉप हो गया, और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, और साथ ही इमरजेंसी व्हीकल इस हाईवे पर चलते हैं। और साथ ही एक्सप्रेस वे की कोई मिनिमम लेन रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो सुविधा की मैंने बात की वो अगर फुलफिल करती है तो वो एक्सप्रेस वे एक्सेस कंट्रोल हाईवे, वो हो सकता है फोर लेन हाईवे भी हो। अभी रायपुर से विशाखापट्टनम जो हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो फोर लेन बन रहा है। उसी तरीके से अभी जोर शोर से जिसका काम चल रहा है वो है नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे हाईवे के बारे में। देखिए हाईवे भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। स्टेट हाईवे हो गया, साथ ही नेशनल हाईवे हो गया। अब हम इस वीडियो पर नेशनल हाईवे के बारे में बात करेंगे। जो नेशनल हाईवे होते हैं वो फोर लेन हाईवे भी हो सकते हैं, सिक्स लेन हाईवे भी हो सकते हैं, और टू लेन हाईवे भी हो सकते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे में मिनिमम फोर लेन हाईवे होना चाहिए। जो हाईवे होते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो पर देख पा रहे हैं, ये NH6 है, ग्रेट ईस्टर्न हाईवे है, कोलकाता से लेकर गुजरात तक जाता है। उसी तरीके से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है, ये सब नेशनल हाईवे है, फोर लेन नेशनल हाईवे या सिक्स लेन नेशनल हाईवे। ये हाईवे पार्सली एक्सेस कंट्रोल भी हो सकते हैं, अगल बगल जरूरी नहीं कि फेंसिंग हो, लेकिन कहीं कहीं पर फेंसिंग लगाया जा सकता है। और साथ ही इन हाईवे पर बीच में डिवाइडर में कट होता है। इन हाईवे में भी इमरजेंसी व्हीकल घूमते हैं, और कहीं कहीं मेन स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं। जो एक्सप्रेसवे होता है आपका, वो पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल होने की वजह से उसे बिल्कुल नई जगह पर बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे रहे। नेशनल हाईवे जो गवर्नमेंट ने जगह जगह हाईवे बनाए हैं उसे नेशनल हाईवे बोला है, या उस हिसाब से स्टेट हाईवे बोला है, लेकिन एक्सप्रेसवे के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसके नेशनल हाईवे पर बनाया जाए, उसे बिल्कुल भी नई जगह पर बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, बिल्कुल नई जगह पर बन रहा है, और उसी तरीके से नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी बिल्कुल नए रोड पर बना है। आई होप दोस्तों, ये छोटा सा जो अंतर है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।